हमारे फुटबॉलर को हमें हाईलाइट करना होगा, जिससे टीवी के एड में उनको ज़्यादा से ज़्यादा रकम में एडवर्टाइज करने का मौका मिले, जिससे हमारे फुटबॉल का स्तर बढ़ जाएंगे और हमारे शहर क्षेत्र के खिलाड़ी या ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी का मेरे विचार से और भी फुटबॉल के प्रति रुझान बढ़ जाएंगे और फुटबॉल में अच्छा खासा रोजगार के साथ साथ करियर को संभालने का मौका मिल जाएंगे। फिलहाल किंग लेने का मौका जमाना ने टीम के खेड़े को किंग लेंगे अपन टीम का कप्तान रविराज मुर्मू। बहुत ही दानदार गोल जी। सुनील छेत्री के बारे में थोड़ा सा और मैं आगे जानकारी दे रहा हूँ। सुनील छेत्री 100 से भी ज़्यादा मैच खेले हैं, हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री 100 से भी ज़्यादा मैच को खेले। जब उन्होंने 100 मैच को खेले केनिया के विरुद्ध उन्होंने खेले और 2 गोल में मारे थे। दोनों गोल का मैं टाइमिंग भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहला गोल उन्होंने मैच के 68 मिनट में दागे थे और दूसरा गोल मैच के एडल्ट टाइम 91 मिनट में मारे थे। हालांकि उस मैच में 71 मिनट में जे लाल पेखवा ने गोल दागे थे। टोटल 3 गोल से यादगार मैच को सुनील छेत्री का 100 मैच को इंडिया की टीम जीते थे। जिला पर मुकेश गुप्त इस तरह सोने के पास बेसरा गोल पोस्ट पर है। ओह कमाल का शॉट, लेकिन पासित बेसरा के द्वारा गजब का शॉट लगा, गजब का गोल मारे। देखने वाली बात साल का बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड कौन से खिलाड़ी अपना नाम के लेंगे। वर्ल्ड कप में जहां तक बात की जाए बेहतर गोलकीपिंग के लिए लेब यासिन की यादगार में गोल्डन दस्तानानुमा इनाम द्वारा 1994 से शुरू कर दिए गए थे। हालांकि नाम को बदल कर 2010 में गोल्डन ग्लव्स कर दिए गए। इस शॉट के बाद में इसके बारे में विस्तार में और भी जानकारी देना चाहूँगा। अच्छी शॉट, अच्छी गोल पर संजय के द्वारा। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप में 1994 से गोल्डन दस्तानामा के नाम द्वारा शुरू कर दिया गया। 1994 में बेल्जियम के गोलकीपर माइकल प्रेडहोम को नवाजा गया था। 1998 के वर्ल्ड कप में फ्रांस के गोलकीपर फेबियन बार्थेज को दिया गया था। 2002 के वर्ल्ड कप में अगर बात की जाए तो गोल्डन दस्ताना जर्मनी के गोलकीपर ऑलिवर कान को नवाजा गया। 2006 की अगर बात की जाए तो इटली के गोलकीपर गैलोगी वाफन को दिया गया। 2010 की अगर बात की जाए तो स्पेन के गोलकीपर इल्गर क्लिस्टरास को सम्मानित किया गया। 2014 की अगर बात की जाए तो जर्मन के गोलकीपर मैनुअल नोयर को दिया गया था। और 2018 की अगर बात की जाए पिछले वर्ल्ड कप में तो बेल्जियम के गोलकीपर को ही नवाजा गया था। फिलहाल इसकी की बात थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार शॉट, यहाँ पर शानदार गोल मारे, बेहतर शॉट और बेहतर गोल नगर में कामयाब होता हुआ, ताबड़तोड़ शॉट था। चलिए इसके बाद मैंने इसके लिए दोनों टीम की खिलाड़ी मेडिकल में पहुंचे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। टूर्नामेंट बड़ा है, लट्टे का प्रोग्राम है, प्लेंटी का हम लोग इस बात के लिए मैदान के अंदर करा रहे हैं जिससे सभी दर्शक देख पाए। दूसरी बात, जो भी कमेटी आप लोग हाजिर करेंगे मैं कमेंट में होने के लिए नाते ही कहना चाहूँगा। ज़्यादातर आप लोग देखिएगा जब मैदान के बाहर प्लेंटी के होते हैं क्वार्टर फाइनल का मैच या सेमीफाइनल मैच के लिए तो वहाँ पर झगड़ा सृष्टि हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए समय को हाथ में बचा के रखें, क्वार्टर फाइनल से अगर मैदान के अंदर ही प्लेंटी कराएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होने का चांस नहीं रहता है। बहुत ही ताबड़तोड़ का शॉट जमा रहा जाके खेड़ के द्वारा। शिवा यहाँ पर किक लेंगे, बासित क्या कर पाएंगे देखना होगा। जी हाँ, 22वां वर्ल्ड कप कतर देश में है, जो हमारे एशिया महादेश में ही कतर देश है।
जो नवंबर के 19 या 20 तारीख से वर्ल्ड कप का मैच नवंबर महीने से शुरू हो जाएंगे और फाइनल 18 दिसंबर को होंगे। भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं किए अब तक वर्ल्ड कप में, लेकिन काफ़ी सारे फुटबॉल के प्रशंसक कतर में वर्ल्ड कप को देखने के लिए हमारे भारतीय प्रशंसक टिकट ले चुके हैं। आसान सा शॉट, आसान सा गोल है पश्चिमा हमरम का, पूरी तरह टूर्नामेंट में छाया रहा। गोलकीपिंग के मामले में बीते कल बहादुर सोरेन पूरी तरह टूर्नामेंट में छाया रहा, दो बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी बने थे प्रत्येक राउंड में खेल के दौरान और टाई ब्रेकर के दौरान कमाल का बचाव किए। हम लोग ज्यादातर मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल मारते हैं उनको देखे सम्मानित करते हैं। मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट का सबसे बड़ी इनाम होता है, जरूरी नहीं बनता कि जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल मारते हैं उनको दिया जाए। उसके लिए डिफेंडर, हाफ लेंथ के खिलाड़ी, फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी और गोलकीपर भी उनका हकदार बन सकते हैं। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी इनाम गोल्डन बॉल दिया जाता है। 2002 का वर्ल्ड कप का इतिहास को आप पलट कर देखेंगे तो जर्मन के गोलकीपर ओलिवर कान को गोल्डन बॉल दिया गया था, जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उनको दिया जाता है। आसान सा शॉट, आसान सा गोल यहाँ पर जमाई राजा के द्वारा। माहली ब्रदर्स टीम के कप्तान मैनेजर, अगर आप पहुंच चुके हैं तो अनाउंसिंग बूथ में आके आपका टीम का उपस्थिति दे देंगे। समय ज्यादा ना ले टाइपर करके लिए। चलिए हमारे दो यूट्यूबर इस प्लेंटी को अपने कैमरे में कैद करता हुआ ट्राइब यूनाइटेड बहरागुड़ा के यूट्यूबर और रामजाने जमशेदपुर के यूट्यूबर। गोपी सोय का और इसी के साथ ही जीत हासिल किया जमाई राजा। मैन ऑफ द मैच के लिए गोलकीपर बासित, आप कमेटी मंच में चलाएंगे, आपके बचाव बचाव के बदौलत आपके टीम को जीत मिला है, जिसके चलते आपको मैन ऑफ द मैच हम लोग नवाजेंगे।